नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेमेडीज फ्रॉम किचन सीरीज। इसमें मेरा पहला वीडियो आज स्टार्ट हो रहा है अलसी के बीज के ऊपर, जिसे हम फ्लैक्सीड्स भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमनली मिलने वाले बीज हैं। ये छोटे छोटे ब्राउन कलर के बीज बहुत ही अच्छा हमारे शरीर पर काम करते हैं। आज मैं इनका उपयोग बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको लेके अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और दूसरा इनको आपने कब कब नहीं लेना है, ऐसे भी कुछ कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बालों से। बालों में आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, रात में 2 चम्मच आपने इसे भिगो के रख देना है। अगले दिन इसका जो पानी है उसको आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसे छान के आपने इसे अपने बालों में लगाना है, बाल वॉश करने के बाद। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके बालों में मॉइस्चर देगा और आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लाएगा। तो सबसे पहला उपयोग हमारे बालों का हो गया। दूसरा मैं अब बताती हूँ स्किन पे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्लैक्सीड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो हमारे चेहरे की झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं और हमारे चेहरे पे चमक लाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप चेहरे पे भी कर सकते हैं, आप फेस पैक की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने 1 चम्मच आपने अलसी के बीज रोस्ट करने हैं, ड्राई रोस्ट करने हैं, उसको आपने महीन पाउडर बना लेना है और गुलाब जल में मिला के थोड़े से चंदन पाउडर के साथ आपने इसका लेप लगाना है। इससे झुर्रियाँ कम होती हैं, चेहरे में कसाव आता है और चेहरा बहुत ज़्यादा खिला खिला लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट की। हार्ट रीजन में ये कैसे काम करता है। हार्ट रीजन में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, जो डिपॉजिशन होने लग जाता है फैट का हमारी नलियों में, उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो खून का थक्का नहीं जमने देता और इससे हमारा हृदय तंदुरुस्त रहता है। उसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक की अगर हिस्ट्री है या फिर ब्रेन स्ट्रोक का अगर डर है, बीपी का अगर दिक्कत रहता है, तो भी बहुत अच्छा ये काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ करता है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को हटाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डेली सेवन करना है 1 छोटा चम्मच ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के पानी के साथ आपने इसे कंज्यूम करना है। फ्लैक्सीड्स के अंदर सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हेल्दी रखते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी निजात दिलाते हैं। फ्लैक्सीड्स के अंदर अल्फा-लिनोलेनिक एसिड होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिनसे हमारा वेट रिडक्शन में भी हेल्प मिलती है। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शुगर को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके लिए आपने ड्राई रोस्ट पाउडर ही लेना है सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ। जिस प्रकार मछलियों के अंदर या नॉनवेज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, उसी तरह ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आपका गुड फैटी एसिड हो सकता है। इसलिए आप अगर वो कंज्यूम नहीं करते हैं नॉनवेज के तौर पे, तो आप इसको कंज्यूम करके आप अल्टरनेटिवली अपना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। फ्लैक्सीड्स के अंदर यानी अलसी के बीज के अंदर लिग्निन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि फीमेल हॉर्मोन्स में बहुत अच्छा काम करता है, फीमेल हॉर्मोन्स को मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स होती हैं, उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी है या फिर उनको हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस हो रहा है या फिर प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम से वो ग्रसित हैं, तो उस तरह के केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको आपने खाली पेट 1 चम्मच ड्राई रोस्ट पाउडर लेना है, बहुत अच्छा आपको असर इसमें नज़र आएगा। जो हमारा फ्लैक्सीड होता है उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ में विटामिन ए डी ई और इस तरह के, और इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक, इस तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं। तो इतने छोटे छोटे दाने इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इससे आपको बहुत लाभ होगा। कैंसर की कोशिकाएं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उनमें भी बहुत अच्छा रोल फ्लैक्सीड्स का देखा गया है। इनको रोकने में भी बहुत अच्छा इसका रोल देखा जाता है। अलसी के तेल से अगर मालिश की जाती है, तो भी हमारे ड्राइनेस हमारे अगर स्किन की होती है तो वो कंट्रोल हो जाती है और हमारी बॉडी में मॉइस्चर बना रहता है। तो देखिए कितने अच्छे मैंने यूज़फुल आपको इसके फ़ायदे बताए हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी किन किन केसेस में आपने फ्लैक्सीड्स या अलसी के बीज का इस्तेमाल नहीं करना। प्रेगनेंसी के दौरान आपने अलसी के बीज का इस्तेमाल नहीं करना। साथ में अगर आपका टेंडेंसी डायरिया के टूवर्ड्स रहता है, आपका पेट बहुत ज़्यादा साफ होता है, तो आप फ्लैक्सीड्स ना लें।
उसके अलावा अगर आपको कोई भी मेडिसिंस आपकी चल रही हैं उसमें अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप फ्लैक्स सीड्स का इंटेक करें। फ्लैक्स सीड्स आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी, ना ही आपने कच्ची लेनी है। इसे हमेशा या तो आप भिगो के लीजिए या फिर इनको ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बना लीजिए, उसमें ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहेगी। डोजेज आपकी ये रहेंगी, आप डेली का एक चम्मच ही इसका रखिए, सुबह सुबह खाली पेट आपने इसको लेना है पानी के साथ, ताकि ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी। रेमेडीज़ फ्रॉम किचन की वीडियोज़ मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।